क्या बात है यार, दिस मॉर्निंग वी आर शाइनिंग आवर लाइट ऑन नवी मुंबई. मुंबई मेरी जान आप तो कहते ही हैं, मैं भी कहती हूँ अपने शो पर एक खास सेगमेंट के साथ. और मुझे लगा कि क्यों ना आज मनीष भतीजा साहब से बात किया जाए. ऑलराइट, अगर आप नवी मुंबई के हैं तो शायद आपने पैराडाइज ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा. ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंटिन्यूस इट्स ग्लोरियस जर्नी ऑफ डेवलपिंग ग्लोबल थीम लैंडमार्क्स, चाहे वो पनवेल में हो, खारघर में हो, एंड इन द प्राइम एड्रेसेस ऑफ द फ्यूचर रेडी सिटी, जहां पर 100 से भी ज्यादा लग्जरी लैंडमार्क्स है. आई एम टेलिंग यू द फेस ऑफ नवी मुंबई इज चेंजिंग. यू नो, प्लीज टेल मी मिस्टर भतीजा कि नवी मुंबई में कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत प्राउड करती हैं इस जगह के बारे में. सेंट्रल पार्क, जो गोल्फ कोर्स, ये जो खारघर में आ रहे हैं. सेंट्रल पार्क इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द हाइट पार्क ऑफ लंदन. तो आज इतनी बड़ी एरिया एक सिटी के बीच में गवर्नमेंट ने स्पेयर की है, ये अपने आप एक यूएसपी है पूरी नवी मुंबई के लिए. लोग वहां जाके एंजॉय करते हैं. गोल्फ कोर्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड वो भी मिडल ऑफ द सिटी में, पूरे माउंटेन्स की सराउंडिंग्स में. तो ये सब जो चीजें हैं, इन्होंने नवी मुंबई को बहुत अच्छा एक माइलेज दिया है. साथ में जो लास्ट 1 ईयर से नावा शिवरी लिंक, सी लिंक जो स्टार्ट हुई है, इससे मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी. और ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. इसके अलावा मेट्रो, गवर्नमेंट इज प्लानिंग फ्रॉम दी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू नवी मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट. सो वेरी सून आई थिंक इट विल बी लोगों के सामने होगा. और जो जैसे हमने लोगों को ये सपना दिखाया कि एयरपोर्ट आएगा, और एयरपोर्ट आ गया, इसमें हमारा योगदान नहीं है, पूरा श्रेय महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाता है. अरे अरे, अपना टाइम आएगा. Why should you invest in Navi Mumbai? I think Manish Parija was giving us many reasons this morning. अगर आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा. We'll be right back. छोटे से ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं झकास मॉर्निंग, सिर्फ 91.9 FM रेडियो नशा पर. फिर वही दीवानगी.